एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान की पेशी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर रेंजर्स के दस्ते ड्यूटी पर मामूर हैं। मजीद जानते हैं अरशद अली से। अरशद अली, बताइए इस बारे में। वफाकी वज़ीर रेलवे और सूबाई वज़ीर सेहत जो है वो ख्वाजा बरादरान से आज एहतसाब अदालत में पेशी है और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ में जो सड़कें हैं उनको कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है और इस वक्त जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और अगर जुडिशियल कम्प्लेक्स की बात करें तो जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर पाक रेंजर्स के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर जो है वो किसी गैर मुतलका अफराद के जो है दाखिले को ममनू करार दिया गया है और इसके साथ साथ कमरा अदालत के बाहर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात है। और इसके साथ साथ जुडिशियल कम्प्लेक्स की अगर इमारत की बात करें तो इमारत के अंदर भी जो है वो सिक्योरिटी और इसके साथ साथ पाक जिसके दस्ते तैनात किए गए हैं और बाहर स्नाइपर जो है वो तैनात किए गए हैं। और इसके अलावा जो है वो कमरा अदालत के बाहर जो है वो पुलिस की दो लेयर्स को जो है वो वहां पर लगा दिया गया है कि अगर कारकुन जो है वो जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं तो वहां पर जो है वो ताकि किसी किस्म की समाअत जो है वो मुतासर ना हो उनके नारेबाजी से, तो इस हवाले से जो है वो सिक्योरिटी की जानब से खातरख्वा इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों के ऊपर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है और कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर जो है वो को ब्लॉक कर दिया गया है और किसी को जो है वो अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक है उसको दीगर सड़कों से जो है वो गुजारा जा रहा है और जिस वजह से जो है वो शहरियों को सुबह से ही जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है और इस वक्त जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो दिन का आगाज है और दिन के आगाज में ही शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आज बड़ी पेशी के मौके पर सड़कों को ब्लॉक किया गया है। शुक्रिया अरशद अली अपडेट करने के लिए।